anything. जो है पुल का कुछ हिस्सा तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है। एक्चुअली वाहन जो है ओवरलोडेड थे और भारी संख्या में जो है बालू से लदे हुए ट्रैक्टर भी जो है और गिट्टी से लदे हुए ट्रैक्टर भी जो है पुल के आर पार हो रहे थे जा रहे थे, जिसके कारण से जो है वहां पर जाम की स्थिति बन गई थी। और पुल पर जो है जो ये था कि मैक्सिमम 5 टन लिमिट का जो है वो ही व्हीकल जो है वो भार क्षमता का ही व्हीकल जाना है, उस को एक्सीड करके भी जो है वाहन जो है पुल से गुजर रहे थे। वहाँ पर थोड़ी अफरा तफरा की स्थिति थी और पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई थी। इन सब के बारे में हमने SDO सर को अवगत कराया है और संभवतः सर ने जैसा फोन से बताया कि वो जो है मरम्मती के लिए पीपा पुल पर जो है आवाजाही बंद करवाएंगे और उसमें जो है ना जो मरम्मती जो है जो होना है पुल निर्माण निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी बात हुई, उनको टाइम चाहिए और तो वो यदि उनको टाइम मिलता है तो वो मरम्मत करवाएंगे पुल पर। और जरूरी है कि पुल पर जो है ना सुगम आवाजाही के लिए जो है थोड़ा जरूरी है कि वहाँ पर जो है ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जब तक ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं किया जाएगा ओवरलोड के कारण समस्याएं बढ़ेगी। धन्यवाद। कि कई जगह चदरा टूटा हुआ, क्या आप लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी के सवारे लेके जाते हैं तो बहुत चढ़ाई है, पुल टूटल है, दिक्कत हो रहा है, बहुत कितना जगह टूटा हुआ है, बड़ा जाम लग रहा है, तो हमें तो नहीं पता नहीं है ना। अच्छा, घायल वर भी लोग होते हैं कि नहीं? घटना भी होती है? ना, अभी तो घटना होता नहीं हुआ है, अब आगे चल के जो है कई जगह टूटल है, टूटा हुआ है, इससे क्या आप लोग को क्या परेशानी होता है? परेशानी होता है चलाने में? क्या 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 हो जाता है? बराबर घटना हो जाता है।